वैरिकोसील की जिनको प्रॉब्लम है जिसमें कि अंडकोश के पास एक नसों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है, वो अगर प्रॉब्लम आपकी हुई है या शुरू हुई है तो उसमें सबसे पहला जो आपका काम है वो है अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलना, क्योंकि वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सही से देखकर और उसका सही उपचार करेंगे। दूसरा, अगर आपको इसको ज़्यादा देर करेंगे और इसको दिखाएंगे नहीं तो इसमें टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चल के जो स्पर्म काउंट है वो कम हो सकता है, बिकॉज इस प्रॉब्लम में जब प्रॉपर ब्लड फ्लो टेस्टिकल तक नहीं पहुंचता तो वो सुकड़कर छोटी भी हो जाती हैं, साइज कम हो जाता है, और ऐसे में जो टेस्टिकल्स की फंक्शनिंग होती है वो ठीक नहीं रहती और उसमें हार्मोन प्लस जो आपके स्पर्म काउंट है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया था कि ऐसा तो नहीं कि एक टेस्टिकल अगर हमारी ख़राब हो जाए तो फिर हम आगे चल के शादी नहीं कर सकते या फिर परिवार आगे नहीं बढ़ा सकते। जो नॉर्मल अमाउंट में अगर हम देखें कि जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो स्पर्म की ज़रूरत होती है, अगर उसमें स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है तो आप आराम से आगे चल के एक टेस्टिकल से भी अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। बट फिर भी फॉर द सेफर साइड, अगर दोनों सही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो उसके लिए आपको सचेत रहना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है तो नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से आपको मिलना है, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उनसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।